सबसे बड़ी गलती जो लोग बार बार रिपीट करते हैं, और आई गेस इस पॉइंट को मैं काफ़ी बार अपनी वीडियो में ला चुका हूँ, मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में ये पॉइंट मैंने रिपीट करे है कि जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन को या फिर आप किसी अथॉरिटी को, लीगल अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं और कोई भी उसमें डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंप्लेंट फाइल करी, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कंप्लेंट ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव ना हो, और अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव आपने बनाई है, काफ़ी डिटेल्ड में बनाई है, तो उसमें सारे फैक्ट्स तरीके से कवर किए जाए। ये नहीं कि आपने उसमें कुछ भी उठाकर कहानी लिख दी और आपने एक पुलिस प्रोटेक्शन या कोई भी चीज़ आपने पुलिस से डिमांड करी या कोर्ट से डिमांड करी। और ये काफ़ी केसेस में मेरे को देखने को मिलता है जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है कि सर मैंने ये पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी, इस पर FIR नहीं हुई, क्या अब हम कोर्ट जा सकते हैं FIR करवाने के लिए। प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है कि जो आपने कंप्लेंट फाइल करी वो बिना किसी लॉयर या वकील की कंसल्टेशन के फाइल करी, और यह आपको किसी समझदार इंसान ने सलाह दी थी कि आप ऐसी कंप्लेंट फाइल करिए और पुलिस उसमें एक्शन लेगी और उसके अंदर FIR रजिस्टर हो जाएगी। पर ऐसा असलियत में नहीं होता, फिल्मी सीन नहीं है कि आप कुछ भी फाइल करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा और पुलिस FIR करके उसको जेल में डाल देगी, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि अगर आप कोई भी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो उसके रेपरकशंस क्या क्या है, उसके नुकसान आपको क्या हो सकते हैं अगर आप उसे ज़्यादा डिटेल में फाइल कर रहे हैं और उसमें प्रॉपर या ट्रू फैक्ट्स नहीं लिखे हुए। तो सपोज कीजिए कि मैंने कोई कंप्लेंट फाइल करी, वो मैंने 4 पेज की फाइल कर दी, 4 या 5 पेज की, और उसमें मैंने कोई भी कहानी लिख दी। अब नाउ पुलिस को दी गई स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है, जो मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, स्टेटमेंट के अलावा कन्फेशन और उसके अलावा एडमिशंस की अलग वैल्यू है, तो कन्फेशन भी रेलेवेंट नहीं होता पुलिस कस्टडी में दिया हुआ। लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ पर अगर आपके स्टेटमेंट जो आपने पुलिस को दी, जो आपने फर्स्ट टाइम किसी अथॉरिटी को दी है, वो आपकी मिसमैच हो रही है, तो बिकॉज ऑफ सच कॉन्ट्राडिक्शंस आपकी सारी स्टेटमेंट की रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती है और आपके जो एविडेंसीज है उसे फीबल पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट दी लेकिन उसकी रेलेवेंसी मैच ही नहीं हो रही जब आपने पुलिस को पहली बार अप्रोच किया था। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी टेस्टिमनी होती है, जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है या फिर कोर्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करता है, तब आपको पता ही नहीं होता कि आपने पहली कंप्लेंट में क्या बोला था, क्योंकि आपने उसे अपनी कहानी के हिसाब से ड्राफ्ट करा था और फाइल कर दिया था, लेकिन लेटर ऑन आपने किसी लॉयर के थ्रू फाइल करा और या फिर आपने किसी से भी फाइल करवाया लेकिन अब आपको याद ही नहीं कि उस सिचुएशन में मैंने क्या लिखा था। तो देर विल बी सो मैनी कॉन्ट्राडिक्शंस ऑन योर पुलिस स्टेटमेंट विच यू फाइल ऑन द वेरी फर्स्ट डे एंड इन द कोर्ट हियरिंग द स्टेटमेंट यू आर मेकिंग दैट कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि या तो आप कंप्लेंट या कोई भी चीज़ अगर कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, या तो वो बहुत ही ब्रीफ हो जिसमें आपने टू द पॉइंट कोई भी चीज़ लिखी और आपने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके आप उसमें डिमांड कर सके, या फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव हो तो वो काफ़ी डेट्स एंड इवेंट्स के हिसाब से हो। बेटर होगा कि अगर आप किसी लॉयर को कंसल्ट करें तो जो आपको सही तरीके से गाइड करे कि आपको इसे कॉम्प्रिहेंसिव किस तरीके से बनाना है। यानी कि कोई भी मुंह उठा के कहानी लिख दी और आप पुलिस स्टेशन में जाकर उसको फाइल कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं कोर्ट को अप्रोच करूँगा, याद रखिए कि कोर्ट को अगर आप अप्रोच करते हैं, कोर्ट भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर आपकी कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई कोर्ट को नहीं लगी और लगा कि ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है, तो आपकी कंप्लेंट उठा के कूड़े के डब्बे में जज डाल सकता है, उसके पास पूरी पावर है कि वो उसको डिसमिस कर दे, इवन वो आपके ऊपर कोस्ट भी इम्पोज कर सकता है, और अगर आपने कोई फर्स्ट स्टेटमेंट दिया तो आपके खिलाफ भी केस जा सकता है। तो आपको समझदारी से किसी लॉयर को कंसल्ट करके कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है जो आप इनिशियल स्टेज पर फाइल कर रहे हैं, और अगर आप लॉयर से कंसल्ट नहीं करना चाह रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपकी कंप्लेंट काफ़ी ब्रीफ हो, लिमिटेड वर्ड्स में आप उसको कवर करें, और जो ग्रीवियंस आपको चाहिए वो आप उसमें मेंशन करिए ताकि पुलिस उस पर एक्शन ले सके। पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आप कोर्ट में जा सकते हैं उस कंप्लेंट की कॉपी लगा के, लेकिन हाँ अगर आपकी कंप्लेंट काफ़ी ब्रीफ थी तो चांसेस है कि आप आगे चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपने काफ़ी डिटेल में कंप्लेंट बनाई है जिसमें जिसके बारे में आपको खुद ही ढंग से याद नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा आएगी जब जज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या फिर अपोजिट काउंसिल आपको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। सो ट्राई टू मेक योर कंप्लेंट कॉम्प्रिहेंसिव बट विद द सपोर्ट और विद द गाइडेंस ऑफ द लॉयर, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसल्ट एनी लॉयर, ट्राई टू मेक इट मोर ब्रीफ टू द पॉइंट सो दैट यू विल नॉट सफर इन द नियर फ्यूचर एंड प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन इन फेवर ऑफ योर कंप्लेंट।